हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और यहाँ पर दोस्तों फिर से हमारे साथ में आ चुके हैं माधव शेठ जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका देने के लिए। और पहले तो बहुत मजा आ गया था हमारे पहले वाले वीडियो पर, काफी सारे ने बहुत प्यार दिया था, बहुत लाइक्स और व्यूज आ गए थे। और सबसे पहले तो एक चीज सवाल लेने से पहले, जो मैं जानता हूँ हमेशा की तरह हमारे होते हैं, उससे पहले एक चीज पूछ दे कि चाइना में आपको कैसा लग रहा है? ग्रेट फीलिंग है यहाँ पे, आपको भी पता है कि अभी लॉन्च हो गया हमारा रियलमी एक्स, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। अच्छा लग रहा है, तभी थोड़ा रिलीफ हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पर दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे मुद्दे पर आते और सवाल जवाब करते हैं। और सबसे पहला सवाल यही है, मैं जानता हूँ आप लोग भी यही चाहते हैं कि रियलमी एक्स अभी हमें इंडिया में कितना जल्दी देखने को मिल सकता है। इनिशियली हमने रियलमी एक्स सिर्फ चाइना के लिए प्लान किया था, फिर बट आफ्टर लुकिंग एट द रिस्पॉन्स, जो भी हम लोग का रिस्पॉन्स इंडिया के यूजर्स से आ रहे हैं, सो अभी हम लोग कॉन्फिडेंट है कि इंडिया के यूजर्स को भी हायर प्राइस सेगमेंट्स के फ़ोन चाहिए। हैंस वेरी सून हम लोग ये इंडिया में भी लॉन्च करेंगे अभी। तो बहुत ही जल्दी आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड नहीं पता है लेकिन हाँ बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। और अपना इंडिया की भी प्राइसिंग एग्रेसिव टाइप ही होगी, जैसे कि चाइना की जो प्राइसिंग है वैसे इंडिया में भी आप रख सकते हो। हमारी प्राइसिंग ऑलवेज रियल रहती है एंड डेफिनेटली एग्रेसिव रहेगी और डिसरप्टिव रहेगी। तो चलो इस मामले में तो रियलमी से हमें इतना तो भरोसा है ही। और एक सवाल जो है वो मुझे बहुत पूछते हैं अब काफ़ी टाइम से, अभी रिसेंटली रियलमी 3 में एंड्रॉइड क्यू बीटा वर्जन 3 आया। Sure. जी ये बहुत ही अच्छी बात है, इस बात के लिए मैं बहुत खुश हो गया था। Okay. जब मैंने देखा कि उस लिस्ट के अंदर 21 ऐसे डिवाइसेस थे और नॉन गूगल 15 समथिंग डिवाइसेस थे। Yes. तो मैं देख के बहुत सरप्राइज हो गया, क्या बात है कि रियलमी का 3 का प्रो का ये फोन आ गया। तो इसके अंदर जब ये मैंने अपडेट किया तो वैसे तो ऑब्वियसली अनस्टेबल था, आपने पहले बता दिया था। तो ये जब अभी स्टॉक पर चल रहा है, जब ये स्टेबल हो जाएगा तो क्या ये कलर ओएस 6 पर चला जाएगा या स्टॉक ही रहेगा? पहले ये क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एंड्रॉयड क्यू ये फर्स्ट है, ये फोन जो ये सेगमेंट में एंड्रॉयड क्यू बीटा वर्जन पे है। सेकेंडली एंड्रॉयड क्यू जो अभी है वो काफ़ी बग्स के साथ है एंड ये बग्स को रिमूव करना रहेगा, तो कलर ओएस इसको स्टेबल करेगा। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि देर आर मोर देन 70 or 80 बग्स इन द सिस्टम, सो दिस बग्स हैज़ टू बी रिमूव्ड और कलर ओएस के साथ में वो स्टेबल हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पर उनको आते आते थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे भी। टिल दैट टाइम दे कैन एंजॉय एंड्रॉयड क्यू। हाँ, तो तब तक मतलब ये जवाब ये है कि अभी फिलहाल के लिए जो अनस्टेबल है वो एंड्रॉयड क्यू पर है, जब स्टेबल हो जाएगा तो वापस कलर ओएस 6 पर जाएगा विद एंड्रॉयड क्यू। रियलमी 2 प्रो और रियलमी U1 जो इसके जो पुराने जो फोन है उनमें एंड्रॉयड 5 के स्टेबल अपडेट्स हम कभी देख सकते हैं? रियलमी 2 प्रो का कल हम लोगों ने बीटा वर्जन अपलोड कर दिया था, बाकी के दोनों के जो डिवाइस आपने पूछे उनके हम लोगों ने टाइमलाइंस ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। सो रियलमी 2 प्रो का कल हम लोगों ने जो बीटा वर्जन अपलोड कर दिया था, आई थिंक उसका स्टेबल वर्जन अभी अराउंड अनदर 15-20 डेज और 1 मंथ में फेज रोल आउट में आ जाएगा। ऑल रेस्ट ऑल द डिवाइसेज अंडर पोर्टफोलियो ऑफ दिस रियलमी will be having Android Pi before the end of June. क्योंकि Realme C2 entry level phone में Android Pi है, तो वही लोग काफी बहुत सारे लोग use कर रहे हैं Android, Realme 2 Pro, Realme U1. Yes. उसका अच्छा Realme U1 से याद आया कि Realme U2 का क्या कुछ planning है ऐसा, क्योंकि काफी सारे लोग बेसब्री से wait कर रहे हैं। Let's see. तो यहाँ पर दोस्तों और फाइनल सवाल पूछ लेते हैं कि अभी इंडिया में 2019 के एंड से जैसे कि क्वालकॉम ने कहा था, मीडिया टेक ने कहा था कि हम 5G लेके आएंगे इंडिया के अंदर, और ऑब्वियसली हमें वो फ्लैगशिप फोन में ही मिलेंगे फिलहाल के लिए, तो रियलमी कुछ उस लाइन में डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? डेफिनेटली 5G फोन रियलमी भी लॉन्च करेगा। डेफिनेटली ऑपरेटर्स सर्विसेज लॉन्च करें उससे पहले 5G डिवाइसेज हमारे पास रहेगी पोर्टफोलियो में। बहुत बढ़िया, तो मतलब जब से 5G आएगा इंडिया में और रियलमी भी उसी गाड़ी में चढ़ जाएगा, तो Sure. बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दोस्तों हमारे जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो हमने माधव शेठ जी से पूछा है। वैसे तो ये तो इंटरव्यू का सिलसिला चलता रहेगा, जैसे जैसे लॉन्चेस आते रहेंगे हम कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया माधव जी, थैंक यू वेरी मच एक बार मौका देने के लिए और मेरे सवालों के सही तरीके से जवाब देने के लिए। ठीक है, थैंक यू।